मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैजेंटो 2 की वेबसाइट पे आप SEO किस किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मैं सर्वर पर काम नहीं कर रहा, मैं लोकल होस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो आपको जो ये SEO का काम करना होता है वो सर्वर पर करना होता है, जो मेन सर्वर होता है। तो मेन सर्वर पर आप ये काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आपको किस किस तरीके से फॉलो करना है। आप उस तरीके से फॉलो कर लीजिए और आपका काम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और आपकी साइट का SEO अच्छा खासा होगा। तो दोस्तों, आप मार्केटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक SEO एंड सर्च नाम का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है URL एंड रीराइट्स सर्च टर्म्स साइट मैप। सबसे पहले हम साइट मैप करेंगे। अब हम साइट मैप पे क्लिक करते हैं। तो साइट मैप करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना होता है, जो कि गूगल पे खूब सारे टूल्स आते हैं। साइट मैप जनरेटर आप सर्च कर देंगे गूगल पे, बहुत सारा आ जाएगा। सबसे पहला जो लिंक होगा XML साइट मैप जनरेटर, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मेरी वीडियोस ट्यूटोरियल्स वाली जो साइट है, तो क्या करते हैं, वीडियोस ट्यूटोरियल वाली जो साइट है, मैं उसका साइट मैप क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके से। जैसे भी, जैसे मेरी ये है, देखिए ये साइट है। इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तब तक ये क्रिएट होता है, तब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम ऐड साइट मैप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक तो फाइल नेम, एक पाथ। पाथ क्या होता है, जैसे कि आप जो है अपने सर्वर पे इस एक साइट XML.नाम की साइट मैप डॉट एक्स एम एल नाम की फाइल होती है, आप उसको अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं उसके रूट में। रूट में समझ रहे हैं ना, रूट में मतलब ऐसे ही ले जाना आप जो आपके सर्वर है मेन, उसमें ही आप इस साइट मैप डॉट एक्स एम एल फाइल को कॉपी कर देना, सीधा अपलोड कर देना। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना होता है और यहाँ पे उसका URL लिखना होता है। तो मोस्टली साइट मैप डॉट एक्स एम एल ही होता है साइट का नाम, फाइल का नाम, और URL भी यही होता है। तो अभी ये लिख देते हैं, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे मेरी वीडियो ट्यूटोरियल्स वाली साइट में है, साइट वीडियो ट्यूटोरियल डॉट इन साइट मैप डॉट एक्स एम एल, इसका URL है, ठीक है। और साइट मैप यहाँ आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैं जो इसका मैंने साइट मैप क्रिएट किया, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और सीधा आप अपने साइट मैप डॉट एक्स एम एल को रूट में अपलोड कर देंगे यहाँ से, ठीक है, अपनी सी पैनल से जाकर। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम लिख देते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से करना है। जहाँ पे आपका डोमेन नेम HTTP:// डोमेन नेम .com स्लैट साइट मैप .xml, इस तरीके से कर देना है, सेव कर देना है, आपका साइट मैप जो है सबमिट हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ये बिल्कुल मैं जेन्युइन तरीके से करके नहीं दिखा रहा। प्लीज़ क्रिएट द स्पेसिफाइड फोल्डर, ये कह रहा है कि स्पेसिफाइड फोल्डर क्रिएट कीजिए इस नाम का, लेकिन मेरे उस पर तो है नहीं, क्योंकि मैं तो लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि क्या करा है इसने, जो आप मेरा सर्वर है ना, उस सर्वर को इसने चेक किया है सबसे पहले। अब उस सर्वर को चेक किया, उस पर इसे मिला नहीं, तो ये एरर दिखा रहा है। तो अगर आप मेन सर्वर पर करेंगे तो ये सही दिखाएगा आपको, ठीक है। इसको एक तरीके से किया जा सकता है, जैसे मेरा वो है लोकल होस्ट स्लैश मेज टू,
या वी वी एरर दिखाएगा, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और आपको सेव कर देना है। ठीक है, इसमें सेव करने के बाद फिर क्या करेंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, सेम इसी तरीके से फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ये लोकल सर्वर तो मेरा हो नहीं रहा। फिर हम करेंगे सर्च टर्म्स पे जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपसे होता नहीं है तो आप अपना URL भी शेयर कर सकते हैं और मैं आपको करके भी दे दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं videostudio.in, जैसा कि आपको पता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। सर्च क्वेरी मतलब जो बंदा कोई सर्च करेगा, अब हमने बैग सर्च किया भाई, कोई भी हम लिख देते हैं बैग्स ब्लू कलर, कोई भी सर्च करेगा ब्लैक्स ब्लू कलर, तो ये कहाँ जाएगा? अब इस स्टोर के अंदर सर्च करेगा, मेन वेबसाइट पे क्लिक कर दो, डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू। आप इसका सिनोनिम भी लिख सकते हैं, मतलब इसका एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। और आप URL भी लिख सकते हैं इसका, URL लिखना है, मेंशन करना है, लिख सकते हैं नहीं, domain.com, जहाँ पर आप इस वाली, अगर बंदा ये सर्च करे, ठीक है, या फिर ये सिनोनिम सर्च करे, इन दोनों में से कोई भी सर्च करे तो ये इस वाली URL पर ले जाए इसे, ठीक है ना। और आप याद रखना है इसको हमेशा यस रखना है, तभी ये सजेस्टेड टर्म्स दिखाएगा। सजेस्टेड टर्म्स देखा होगा, जैसे गूगल, एक सेकंड, देखिए जैसे हमने MA लिखा, तो मेक माई ट्रिप मैप, मैप ऑफ इंडिया, ये सजेस्टेड टर्म्स है, तो जो आपकी साइट में सजेस्टेड टर्म्स होगा वो दिखाएगा, और आप इसका सेव सर्च कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सारी सर्च टर्म्स सबमिट कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं URL रीराइट्स पे। मोस्टली URL रीराइट्स में क्या होता है, जो आपकी कैटेगरीज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका URL रीराइट्स अपने आप सबमिट हो जाता है, आपको ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि ये देखिए, मैंने कैटेगरी बनाई है क्लोथ्स, बैग्स, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, जितने भी पेजेस हैं उनका URL रीराइट अपने आप सबमिट हो गया। बाई चांस आपको करना भी पड़ जाता है, मोस्टली ये करना नहीं होता, तो आप कर सकते हैं ऐड URL रीराइट करके, क्योंकि जो भी चीज़ अपलोड होती है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर देता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए URL रीराइट, ये आप कैटेगरी के लिए URL रीराइट है, 4 कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे इसे परमानेंट कर दीजिए। रिडायरेक्ट टाइप में आप इसका क्या है, इसका मेन रोल है, इसका थोड़ा ह्यूज मतलब काफ़ी बड़ा रोल है, इसको मैं आज नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करता हूँ, लेटर ऑन में कवर करूँगा। दोस्तों ये चीज़ है, ये चीज़ ज़रूर डालें। इसमें क्या है, क्लोथ्स है ना आपका, जैसे मेरा, तो क्लोथ्स से रिलेटेड इसका डिस्क्रिप्शन डालना है, कम से भी कम 150 वर्ड तो होना ही चाहिए, 150 वर्ड तो ज़रूर है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कोशिश करना डिस्क्रिप्शंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स हों, जो आपके स्पेसिफाइड कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो कीवर्ड्स हों, ठीक है। ऐसा करके आप इसे सेव कर देंगे। ये दिखा रहा है रिक्वेस्ट पाथ फॉर स्पेसिफाइड स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये क्यों है, क्योंकि मैंने बोला आपको अभी पहले बताया कि ये जो कैटेगरीज मैंने बनाई है खुद खुद क्रिएट कर लेता है, बोला था ना कि खुद क्रिएट कर लेता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ों में आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो 1x1 प्रोडक्ट्स की आपको बनानी पड़ती है, इसी तो उसमें थोड़ा आपको बनाना पड़ता है, इस वजह से एरर दिखा रहा है।
इसमें आप प्रोडक्ट की देखो, फोर प्रोडक्ट, फोर CMS पेज, कस्टम भी बना सकते हैं, CMS पेज की बना सकते हैं, प्रोडक्ट की बना सकते हैं, सबकी आप बना सकते हैं इस तरीके से एक एक करके इजीली अगर आप बनाना चाहते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये खुद ही बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बनानी पड़ेगी, ज़रूरी है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कि CMS पेज की, ये देखो ये CMS पेज की बनी हुई है, ये कैटलॉग की कैटेगरी की है, बैक स्टोर एचटीएमएल, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा था ना, ये इसलिए बना रहा था हम कि लोग क्लोथ्स डॉट एचटीएमएल की बना रहे थे, तो ये इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा था। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑफ पेज एसईओ कर लीजिए, सोशल बुक मार्किंग वगैरह ये सब चीज़ें, सोशल बुक मार्किंग, RSS फीड सबमिशन, और आपका फीड सबमिशंस हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गया, आर्टिकल तो नहीं कह सकते, क्लासिफाइड्स हो गया आपका, और प्रोफाइल मेकिंग हो गया, इस तरीके से आप बहुत सारे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जो एसईओ के लिए हैं। ये जो मेन मेन है ऑन पेज एसईओ, वो आप इसके इसके थ्रू कर सकते हो, और मैंने आपको बैक ट्यूटोरियल्स में गूगल की एनालिटिक्स का और गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में पहले बता ही दिया आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में, आप उन मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो, ये आपका पूरा एसईओ का रोल कवर कर लेता है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही, दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए।